वक्त मैं मौजूद जय श्री गंगा सिद्ध ब्रिक फील्ड पर हूँ नगला मल में। आपको बता दूँ यहाँ के जो ऑनर है सोमपाल सिंह तोमर उनका नाम है, दो ब्रिक फील्ड उनके हैं, गंगा सिद्ध ब्रिक फील्ड भी उन्हीं का है। आपको बता दूँ किरण पाल यहाँ के मैनेजर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आपको लगातार हम दिखा रहे हर ब्रिक फील्ड पर जाकर किस तरीके से ब्रिक फील्ड पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कई वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा तो उड़ाई नहीं जा रही। और दूसरी बात आपको बता दूँ, लगातार आपको दिखा रहे कि 22 तारीख के बाद से जो लगातार मजदूरों को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्राइवेसी मजदूरों को जो आज प्लान करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात से भी प्लान उन्हें करना पड़ रहा है। ज़्यादातर मालिकों ने उन्हें ये कह दिया है कि हम अब आपको पैसे नहीं दे सकते या आपकी तनख्वाह देने हम असमर्थ हैं, इस वजह से उन लोगों को पलायन करना पड़ा। कहीं है स्थिति तो जगहों पर नहीं बन पा रही, इसलिए लगातार आपको हर जगह जा जाकर लगातार दिखाने का प्रयास अभी तक आयसन कर रहा है। इस तरीके का कि लगातार आपको जा जाकर हर उन जगहों पर जाकर आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे साथ ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ पर किरण पाल जी हमसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बनाई जा रही है और कितना कोरोना काल में यहाँ पर उन चीज़ों का पालन किया जा रहा है जिनके लिए अब बताया जा रहा है। जी जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, वर्कर यहाँ पर कितने हैं? वर्कर करीब 80 से 100 के बीच। 80 से 100 के बीच जी। तो कितने लोग यहाँ पर जो आप बता रहे हैं 80 से 100 के बीच में यहाँ पर वर्कर हैं, सबके अलग अलग काम अलग अलग काम है जी सब जी। अब आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, सब अपने मास्क भी लगाते हैं और फिर दूसरे मतलब अपना टॉयल से ज़्यादा कतर काम करते हैं, टॉयल लगा कर ज़्यादातर मतलब टॉयल लगा कर ज़्यादा टॉयल लगा के काम करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग या फेस मास्क उन्होंने कुछ लगाया हुआ नहीं है, चेहरे पर मास्क भी है, मास्क नहीं है तो वो कपड़ा लगा रहे हैं, गमछा या टॉवल कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ वो लगा कर रखते हैं, चेहरे को ढक कर रखते हैं ज़्यादातर चेहरा ढक के रखते हैं गमछा जी। आप अपने वर्करों को ये बताते हैं कि बार बार हाथ धोना, जिस तरीके से डॉक्टर अपनी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि स्वच्छता भी कोरोना का एक बहुत बड़ा बचाव है? नहीं, वो तो करते ही हाथ भी धोते हैं, सारे काम करते हैं। लगभग कितनी बार आप उन्हें कहा जाता है कि भाई हाथ धोइए? आप हाथ धोइए क्या, वो तो खुद ही अपना एक आधे आधे घंटे में हाथ धोते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं तो हाथ धोते रहते हैं जी। और थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर मालिक की अनुपस्थिति तो आज यहाँ पर है नहीं, मालिक का तो आज है नहीं, उपस्थिति कब होती है मालिक के ऊपर, कितना समय दे पा रहे हैं? मालिक काफ़ी समय देते हैं फिर अब कोरोना काल में। हाँ, कोरोना काल में भी मतलब बार बार देखते हैं कि हमारे लेबर को कोई दिक्कत ना हो जी, कोई परेशानी ना हो जी। जिस तरीके से शासनी आदेश अब हो चुके हैं कि ज़्यादातर टाइम लेबर के साथ मालिकों को देना है, इनका ध्यान रखना है, क्योंकि वजह सिर्फ यह है अगर एक भी यहाँ पर कोरोना का संक्रमण या कोरोना से संक्रमित यहाँ पर एक भी पेशेंट यहाँ पर मिलता है तो जितना भी आसपास का नगला मल का एरिया है वहाँ लोगों को दिक्कत परेशानियाँ आ जाएंगी, दिक्कत परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। इसके बचाव के बारे में यहाँ दरअसल ना तो बाहर से कोई आदमी आता, जो वर्कर हैं सारे यहाँ के ही हैं, अपने आराम से रह रहे हैं, अपना आराम से काम कर रहे हैं, कोई बाहर जाता नहीं और ना कोई बाहर का यहाँ आता। आपने कहा कि यहाँ पर कोई आता नहीं बाहर से, और कोई यहाँ पर बाहर से बाहर भी जाता नहीं रह गया जी। आप लोग ऊँचे कितने हैं? ऊँचे दो हैं जी। महेंद्र एक बात बताओ, गमछा लगा कर रखते हो जिस तरीके से आप लगाया हुआ आपने? हाँ जी। हमें देख कर तो नहीं लगाया, पहले से लगा कर रखते हो? लगा के काम कर रहे हैं, लगा के काम करते हो? कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है? पैसे वैसे मिल रहे टाइम पर? हाँ। खाने पीने के सामान सब मिल रहा है? सब स्वाद हमें बंटू बन मिल गया है। जिस तरीके से महेंद्र जी ने बताया खाने पीने, महेंद्र सही कहा, मतलब ऐसा है खाने का मतलब टाइम पर पैसा मिल जाए, सब काम सही है, कोई परेशानी नहीं है जी, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सोमपाल सिंह है। सोमपाल सिंह, एक बात हो, जिस तरीके से दो बता रहे हैं कि भाई खाने पीने, हाँ कोई दिक्कत नहीं है साहब, काम चल रहा है, गमछा लगा के काम कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हो हाथ हाथ धोते हो? हाँ हाँ, साबुन से हाथ धोते हैं, मालिक मिलता है। मेरा नाम सुभाष है। काम तो सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी रोटी पानी की, खर्चे पानी की, पैसे की, काम भी सही कर रहे हैं, हाँ साबुन से हाथ धोते हैं, टाइम पे भी नहा रहे हैं और रात में भी काम करते हैं तो गमछा लगा के काम करते हैं, मुँह को ढक कर रखते हैं।
लेबर के ठेकेदार हैं जी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मालिकों के और मुंशियों के पास आप पर जी। गंगा सिद्ध भक्ति पे सोमवाल जी हमारा पूरी सेवा में हम जनवरी में आए थे। जनवरी से आए? जनवरी में आप आए थे? आए थे। मई चल रहा है? मई चल रहा है। जब से हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी खाने की पीने की, हर तरह हर सुविधा हमारे पास किया है। अबेर सबेर जैसे भी हम अपना लेबर के कितने जने आपके काम कर रहे हैं यहाँ पर? 10-20 लोग। 20 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं? इन 20 लोगों तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हमारे मालिक ऐसे हैं सोमवाल जी, तुरंत आ रहे हैं। आपके कितने कितने घंटे की ड्यूटी है मालिकों के पास? बस मालिकों के घंटे के 8-8 घंटे की ड्यूटी। आप लोगों की ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, मालिक के गांव के हैं, आ जाते हैं जी। और आपने हमें ये भी बताया कि मालिक तो थोड़ा यहाँ पास के हैं, लोकल के हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ध्यान रखना तो बनता ही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से शासनी आदेश हुए हैं, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं कि पूरा शासनी आदेशों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि शासनी आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, पूरा पालन यहाँ पर किया? ना, पूरा पालन हो रहा है जी, हर तरह से पूरा पालन किया जा रहा है। एक अहम चीज़ जो है अहम चीज़ कि अब जो है दिक्कत ना बढ़े, परेशानियाँ ना बढ़े। बाहर जाएंगे दिक्कतें बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, पुलिस कभी दिक्कत परेशानी पुलिस कर सकती है, क्योंकि हर जगह पर अब पुलिस से किसी को आने नहीं दिया जा रहा, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ पर कौन कर रहा? खाने पीने की समस्या ऐसी कुछ नहीं है, टाइम पर इन्हें खर्चा दिया जा रहा है, टाइम पर जो भी खाने के सामान है वो सब यहीं उपलब्ध हो जाता है। सब्जी वाला सब्जी दे जाता है, फल वाले और मतलब बाकी राशन सब आ जाता है, यानी मालिकों ने यहाँ पर अब जो है व्यवस्था कर रखी है कि यहीं पर सब कुछ आए, सबका प्रबंध है, सबका प्रबंध मालिकों ने कर रखा है जी। बढ़िया, अब यहीं पर कर रहा है? हाँ जी। दोनों ब्रिक फील्ड पर? आप दोनों ब्रिक फील्डों पर कर रखा है? दो ब्रिक फील्ड हैं इनके, आपको बता दूँ। दोनों ब्रिक फील्ड पर किस तरीके के इंतजाम है वो भी आपको बता दूँ कि पूरी तरीके से देख रेख दो मुंशी की निगरानी में यहाँ पर देख रेख होती है। 16 घंटे लगभग यहाँ पर मुंशी रहते हैं, बाकी के टाइम यहाँ पर मालिक की उपस्थिति होती है, उसके बाद भी जितना टाइम बचता है मालिक यहाँ पर पूरा टाइम लेबर को दे पा रहे हैं। शासनी आदेश को पूरा पालन किया जा रहा है। सभी के चेहरे पर आपको बता दूँ, जिसके पास मास्क नहीं है उसके पास गमछा है, जिसके पास गमछे नहीं है उसके पास तौलिया है, अपने मुँह को ढके हुए हैं, साबुन से बार बार हाथ धोते हैं। खाने पीने की व्यवस्था पूरी यहाँ की जा रही है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा किसी भी दिक्कत किसी भी तरीके की परेशानी के दोनों ब्रिक फील्ड पर है। सभी चीज़ें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर की जा रही है।